हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 16 सितंबर 2018 से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉप 10 क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इंक्लूड हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ओनली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के थ्रू आप शेयर कीजिए जरूर वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड या रिलेटिव को भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि नई योजना क्या ऐसी आई है या क्या नई सर्विस लॉन्च की गई है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या क्या सुविधाएं की गई हैं और लॉन्च की गई, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद इन टू डेज में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो DIDF की उन्नति के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो दूध मिल्क है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डेयरी प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है, वो किया है 10,881 यानी 10,881 करोड़ रुपीज आवंटित किया है। कि इसमें भारत सरकार जो डेयरी में प्रोडक्शन करते हैं, लोग जो दूध का धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसमें जो टोटल पैसा दे रही गवर्नमेंट वो दे 10,881 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि स्वच्छता ही सेवा जो मूवमेंट अभी चल रहा है, अभी इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए थे और मैंने क्वेश्चन के बारे में बात भी किया था, क्वेश्चन आपको बताया भी था इसके प्रीवियस वीडियो में, इससे संबंधित क्वेश्चन था। बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा, जो ये क्वेश्चन है इसका जो मोमेंट के तहत यानी इस योजना के तहत मोदी जी ने कहाँ के स्कूल में जाकर श्रमदान किया है, ये क्वेश्चन हमारा बनता है आज का। ये जो स्कूल है वो कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्कूल है वहाँ पे गए थे और स्वच्छता ही सेवा के मोमेंट के तहत स्कूल में जाकर उन्होंने श्रमदान किया था। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छता ही सेवा दिवस जो स्टार्ट हुआ है आज से, उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ है, अभी हाल ही में हुआ था, वो हुआ था दक्षिण कोरिया में, यानी दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन 2018 कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये हुआ था दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनजाति पर्यटन सर्किट प्रोजेक्ट का हाल ही में कहाँ पर आयोजन हुआ है, ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़। जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और मध्य प्रदेश में इन दो जगह जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी कास्ट हैं यहाँ पे जो कि जंगल से रिलेटेड हैं या ऐसी जनजातियाँ हैं जिसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा। तो बेसिकली ज़्यादातर पाए जाते हैं जनजातियाँ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो इसका जो इम्प्रूवमेंट किया गया है इस स्कूल में यानी इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन में, इसका जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान है वो कहाँ पर है, वह है वडोदरा। अब वडोदरा कहाँ पर पड़ता है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वडोदरा कहाँ पर है, वडोदरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का आयोजन कहां पर किया गया है, ये जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये जो संबंधित क्वेश्चन है वो दिव्यांग लोगों से संबंधित है। तो यहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी हुई थी डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी पुनर्निवास के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन है यानी क्योंकि दिव्यांगजन है उनकी देख रेख के लिए जो आयोजन किया गया, अभी इसका जो सम्मेलन हुआ है इसके ऊपर मीटिंग की गई है वो की गई नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो देश में कई जगह इसके संस्थान बनेंगे जहां पर लोगों को ट्रीटमेंट की सुविधा होगी और उनसे संबंधित जो भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को मुहैया कराई जाएगी और जो भी सुविधाएँ प्रदान की जानी होती है एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फर्स्ट ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है, जो कि सरकार ने अभी हाल ही में किया है, वो उस राज्य का आपको नाम बताना है किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है फर्स्ट ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मोब लिंचिंग। अब मोब लिंचिंग क्या होता है, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति को मार देती है, अननोन पर्सन को, वो होती है मोब लिंचिंग। मोब लिंचिंग में मारे गए परिवारजनों के लिए एक कुछ पैसे देने के लिए जो बात कही गई है बिहार सरकार ने, वो कितना अमाउंट उनको देंगे, उनके परिवारजन को, वो देंगे 1 लाख रुपीज। यानी 1 लाख रुपीज़ का प्रावधान है यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है इन मोब लिंचिंग में। बट मोब लिंचिंग कई सारे पैटर्न हैं, कई सारे लोग इस तरह से उपद्रव फैला के लोगों की जान लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है और जो देश में ये बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। तो इस तरह से आप कोशिश करिए, कोई भी व्हाट्सअप आता है या कुछ भी इस तरह से सूचना आती है जो मोब लिंचिंग से संबंधित है, क्या होता है कि मोब लिंचिंग में लोग बाग किसी की फ़ोटो लिख के बना देते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं कि ये व्यक्ति जो है किडनैपिंग करता है बच्चों का। तो लोग जहाँ पे उस व्यक्ति की फ़ोटो देखते हैं तो इकट्ठा होकर मारने लगते हैं, जो कि सच्चाई इसमें कुछ होती नहीं है। क्या है सच्चाई क्या नहीं है उसको आप शेयर करते हैं, तो जितना आप शेयर करते जाते हैं लोगों तक पहुँचता जाता है, व्यक्ति कहीं दिख जाता है तो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है इस समय की। तो आप कोशिश करिए कोई भी इस तरह से मैसेज मत फॉरवर्ड कीजिए ताकि किसी के जान चली जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसानों की सुविधा के लिए किस राज्य सरकार ने सिद्धि, ठीक है, सिद्धि मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये किया है महाराष्ट्र ने। अब हम बात करते हैं कि सिद्धि जो मोबाइल ऐप है इसका काम क्या है। सिद्धि मोबाइल ऐप का जो मेन काम है वो है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी संबंधी मशीनें क्या है, मशीनें आ रही हैं जो कि उपयोग होनी है कृषि में, ठीक है, और कौन से सीड को लेना है, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। तो कुल मिला के जो कृषि से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स, सीड्स के बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी उपलब्ध होगी इस ऐप पे, यानी सिद्धि ऐप में। दूसरी बात ये आती है कि सिद्धि ऐप किस लैंग्वेज में होगी, ये इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज में, दो लैंग्वेज में उपलब्ध होगी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ 16th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो ये आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे और मेरी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा नया वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।